5D 6D में कितने बोलूँ, कितने डी है इसके अंदर, कितने ट्रायंगल है इसके अंदर, आप लोग गिन लो, मेरे से तो गिना नहीं जा रहा। चल भाई हाफ मारने से ये खींचेगी नहीं। अब नीचा पूरा नीचा आ रहा है वर्कआउट ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों की बॉडी के अंदर इतनी कैलोरीज और इतनी। तो राम राम मेरे भाई, स्वागत है आपका अपने चैनल टाइगर फिटनेस क्लब पे। आज मैं दिखाता हूँ आपको एथलीट बॉडी की बैक कैसे बनती है, और वो बैक जिसमें ब्लेड्स में यानी कि आपके लैट्स में फाइबर कैसे आते हैं। आपको बॉडी भी दिखाऊंगा और वर्कआउट दिखाऊंगा अपने योगी यश के थ्रू, और क्या वर्कआउट हम करने जा रहे हैं और क्या हम डाइट खाते हैं। प्री मील क्या खाया योगी, अभी क्या खाया वर्कआउट से पहले? चिकन राइस खाया। तो बेसिकली कहने का मतलब है अभी ये पूरे प्रेप पे चल रहा है, और हमने खाए हैं 100 ग्राम चिकन और 150 ग्राम राइस, बस 150 ग्राम राइस। तो प्री मील अपना ये हो गया। प्री मील के बाद थोड़ी देर 20-25 मिनट अपने रेस्ट किया, फिर अपने कुछ मल्टीविटामिन लिए प्लस कुछ सप्लीमेंट्स लिए। सप्लीमेंट्स में लाइक मैं आपको बता दूँ, जो भी मेरे भाई प्रेप कर रहे हैं उनों के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी वाटर लॉस करने की टैबलेट जैसे कि एक्सपिल वगैरह, जो भी एक्सपाइजर जो आपको समझ आती है वो, एंड विटामिन्स। मल्टीविटामिन में मैं बता चुका हूँ कई बार सबके लिए, और मल्टीविटामिन में कैल्शियम जो हम प्रेप करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कैल्शियम आप नहीं लोगे तो डाइटिंग में आपको क्रैम्प पड़ेंगे, आप सोडियम भी बंद कर देते हो, ये सब बंद कर देते हो, तो बहुत सारी चीज़ों का आपको फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम्स का, ठीक है। एनीवेज चलो ये तो हो जाती है डाइट के बाद, अब करते हैं वर्कआउट के बाद। चलो वर्कआउट शुरू करते हैं आज बैक का, और बैक दिखाता हूँ आज को योगी की। आओ योगी, चलो भाई। योगी को 4 हफ्ते बचे हुए हैं अभी प्रेप की ट्रेनिंग के लिए, भैया कॉम्पिटिशन है 4 हफ्ते बाद। चल ये देख फुल रेंज ऑफ मोशन, योगी हाफ हाफ मारे ऊपर ही, ये देखो बस फुल हाफ मारने से ये खींचेगी नहीं। अब नीचा पूरा नीचा आ रहा है ये, हाँ जब ये नीचे आ रहा पूरा ब्लेड्स खींच रही है, ये देखो शाबाश, हाँ ये है ना मज़ेदार। सो भाई पहली ट्रेनिंग में योगी को कराऊंगा अपना क्लोज ग्रिप फ्रंट पुल डाउन, ठीक है योगी। फ्रंट पुल डाउन करेंगे, बैक की अपनी ये वाली नहीं करेंगे, अपनी लैट पुल डाउन फ्रंट और बैक, ठीक है। आज ट्रेनिंग थोड़ी दूसरे तरीके से करेंगे, सिर्फ लैट्स की, और मिडिल बैक जो तेरी ज़्यादा अच्छी है उसको ज़्यादा अच्छा करने के लिए। चलो चल, हाँ 1 2 3 ज़्यादा मत रो, कौनी पर रख, हाँ कौनी बार रख, और पूरा नीचे जा इसके, पूरा नीचे जा, हाँ पूरा नीचे जा, चल पूरा नीचे जा, हाँ जितना नीचे जाएगा उतनी लाइट्स खुलेगी। जा नीचे, जा नीचे, शाबाश, जा वेरी गुड, चल शाबाश, बहुत बढ़िया, चल डन। ओवर रेपिटेशन ना थका मत ना बॉडी को, 10 से 15 रैप बस उतना मार, चल कम ऑन। यस मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाने का फ़ायदा, योगी आगे जा, हाँ जब आगे जाएगा तो ये लैट्स खुलेगी, ये हाँ ये खोल, हाँ एल्बो को थोड़ा बाहर रख, खोल खोल ये, हाँ अब हाफ हाफ ट्रेनिंग करते हैं लोग इसी से, ये लैट्स नहीं खुल पाती, और स्टेज पे एंड में यहाँ से जो डीप आता है मसल वो नहीं आता, हाँ खोल ये खोल, यस ये बहुत पेपर स्किन हो रखा, बहुत ज़्यादा पेपर स्किन हो रखा है। हाँ मैं आपको और बता देता हूँ, योगी एक मेरा ऐसा स्टूडेंट है अपने भाई जैसा है, और मेरे साथ सीरियसली बताओ योगी कितने साल हो गए हमें? 2015 नहीं यार, 12 से, तो नहीं यार 10 से पहले से है यार, शुरू से ही 10 से, मतलब 2010 से मेरे साथ है, छोटे भाई जैसा है, और मेरे बेस्ट भाई, तो क्या यार स्टूडेंट बोल दो या भाई बोल दो कुछ भी बोल दो, उनमें सब में मेरा बेस्ट भाई भी बोल दो, बेस्ट स्टूडेंट भी बोल दो, तो अच्छा एथलीट है और मेहनती है और स्मार्ट लड़का, आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है छोटा भाई है स्मार्ट ना होगा। चल भाई चल भाई अब करते हैं सिटिंग रोइंग शुरू। सिटिंग रोइंग की मैं कंपटीशन में थोड़ी सी वाइड ग्रिप वाली अपनी बार लगवाता हूँ, चल शाबाश, ताकि पूरे मसल चले, शाबाश जागे, हाँ फोकस लोअर बैक के करना है, हाँ ये पीछे ब्रीथ आउट, अच्छे से ब्रीथ आउट, दोनों ब्लेड दबाई वाली, हाँ ये दोनों ब्लेड दबा, ये साथ छोड़ दबा ब्लेड, वेरी गुड ये, हाँ चल प्रेप पे चल रहा है, ज़बरदस्ती वाला वर्कआउट नहीं करना है प्रेप वाले लोगों के लिए, खासकर किसी तरह का ज़बरदस्ती का वर्कआउट नहीं करना है। बॉडी के अंदर 40 से 45 मिनट की, जब आप लोग प्रेप करते हो 40 से 45 मिनट का हर वर्कआउट को टाइम दो, उसके बाद 15 से 20 मिनट का फ्लोरिंग करो, एब्स करो, कोर करो, कुछ भी करो, लेकिन जो आपका स्ट्रेंथ वर्कआउट है उसको सिर्फ 40 से 45 मिनट का टाइम दो। और जो लोग बिल्कुल सीरियसली में प्रेप कर रहे हैं उन लोगों के वर्कआउट का जो गैप होना चाहिए एक सेट के बाद दूसरे सेट का, वो 20 से 25 सेकंड होना चाहिए, इससे ज़्यादा करना भी प्रेप वाले लोगों के लिए ठीक नहीं है। उसका रीज़न बताता हूँ, ज़्यादा ब्रेक करने से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, अपनी हार्ट रेट कम हो जाती है,
तो वही हार्ट रेट जैसे अपनी नॉर्मल हो जाती है तो अपना मेटाबॉलिज्म स्लो होना बंद हो जाता है। और जो लोग स्पीड से करते हैं उनके हार्ट रेट जब से 40 से 45 मिनट फास्ट होती है, और हार्ट रेट फास्ट होने के चक्कर में हमारा मेटाबॉलिज्म उस लेवल पे पहुंच जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का खाना हमारी बॉडी को फैट्स नहीं देता और हमारी बॉडी को हार्मफुल नहीं होता, खासकर प्रेप के टाइम पे। चलो भाई चलो, वन टू आ गया और आ गया, हाँ ये हाँ ब्लेड को छोड़, हाँ ये चल, हाँ गर्दन हल्की सी ऊपर रख, चल ऊपर रख, शोल्डर पूरा पीछे ले जा, हाँ पीछे ले जा सिटिंग रोइंग की तरह, हाँ ये लैप पोज मारता, ब्रीथ आउट किया पीछे, तो योगी के हर साइड में एक ब्रेक चल रहा है सिर्फ 20 से 25 सेकंड का, क्योंकि प्रेप पे चल रहा है। और 25 से 20 सेकंड मैं आपको बता चुका हूँ ब्रेक करने का रीज़न बता चुका हूँ, क्योंकि हम जितना कम ब्रेक करेंगे उतनी अपनी हार्ट रेट तेज होगी, और जितनी हार्ट रेट तेज होगी उतना मेटाबॉलिज्म हाई होगा, जितना मेटाबॉलिज्म हाई होगा उतना आपकी बॉडी फैट को बर्न करेगी, सिंपल सा फंडा है। चलो भाई वन आर डंबल रोइंग कमान, चलो वन टू योगी डंबल सीधा रख, थ्री डंबल सीधा, टेन कम चिन द साइड, दस मार, दस मार बस, दो सेट मारने की बारी में चल, टेन कम चिन द साइड। ये उन लोगों के लिए जो प्रेप करते हैं, ब्रेक कम वर्कआउट ज़्यादा, बातें कम वर्कआउट ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों की बॉडी के अंदर इतनी कैलोरीज और इतनी एनर्जी नहीं होती है कि एक एक डेढ़ घंटे जैसे हम ऑक्सीजन में एक्सरसाइज कर रहे थे ऐसे कर ले। अपना एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाओ कि 40 से 45 मिनट में अपना एक्सरसाइज ख़त्म कर देनी है और 15 से 20 मिनट में अपना कोर ट्रेन करके ख़त्म कर देना है। चलो शाबाश कमान, फाइबर ही फाइबर आ रहे होगी कि बॉडी में, आ जा। और योगी हो चुका है रेडी, बाल बाल बना के अपना कान पे, अच्छा ऋषि ने दिया है कोई ना, चल तीन प्लेट लगाऊँ चार लगा रहा हूँ योगी। मुझे नहीं लगता लोगों ने ये वर्कआउट भी देखा होगा या किया होगा, आई डोंट थिंक सो दैट, बट आपको मैं बता दूँ इस वर्कआउट के फ़ायदे, आपकी लोअर बैक ट्रेंड होगी, आपकी ब्लेड्स ट्रेंड होगी, आपके रियल डेल्ट ट्रेंड होगा, आपकी बैक का कोई ऐसा पार्ट जो हमने मिस कर चुके हैं वर्कआउट में वो नहीं चला है वो इसमें चल जाएगा, यानी कि इसको करने के बाद आपको बैक का कोई वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं आपको बता दूँ ये सबसे बेस्ट फिनिशर है बैक के वर्कआउट का, और इसको करना कैसे मैं आपको बताऊँ, ठीक है योगी आगे जा पूरा जितना जा सकता है, और पीछे आ पूरा सिटिंग रोइंग की तरफ, वन और ऊपर आते टाइम ब्रीथ आउट, हाँ ऐसे चल दबा, ये देखो ये चल गया, ये चल गया क्योंकि ऑलरेडी ऊपर है, ये देखो ये चल गया डेल्ट, ये लेट्स दब गई, ये ब्लेड आ गई, सब कुछ एवरीथिंग जो आपकी बैक में रह चुका है वर्कआउट वो आप इसमें अपना पूरा कर लोगे, बैक का कोई ऐसा मसल नहीं बचेगा इसमें जो आपने ट्रेंड ना किया हो, वो ध्यान रखना जो ये पार्ट है ना ये आपके एटलीस्ट यहाँ आना चाहिए, नहीं अभी भी नीचे है, हाँ अभी भी नीचे है, हाँ ऊपर कर दो मैं, हट रुक 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 तू छोड़ दे, अब आ ऊपर, हाँ हाँ इसका फ़ायदा क्या है अब कैसा फील हो रहा है ना, अगर हम उसको नीचे रखते हैं ना तो अपनी हैमस्ट्रिंग ज़्यादा खींचती है और बैक कम खींचती है, अब इससे हैमस्ट्रिंग फ्री हो जाएगी, तुम्हारी लेग्स फ्री हो जाएगी और सारा अपना मसल का दिमाग और सब कुछ पेन जो भी अपना मसल पे आएगा वर्कआउट करने के टाइम पे वो अपनी बैक पे आएगा। चल चल दबा योगी, दबा ये दोनों दबा ऊपर, ये खींच लोअर बैक पे लाया करेंगे हाथ, हाथ इंगला नीचे, हाँ ये जितना नीचे लाएगा उतनी दबेगी, चल चल शाबाश, ब्रीथ आउट कर, अब आउट कर, आउट करने के बाद फाइबर दिखते जा रहा, ब्रीथ आउट कर, अब खींच चल खींच, सांस छोड़ छोड़ दे, छोड़ दे तू छोड़ दे, ब्रीथ आउट ऊपर करेगा ना उतने फाइबर चल गएंगे। सो मैं आपको बता दूँ 3D शोल्डर आपने बहुत देखे होंगे, अब देखते हैं 3D बैक, 3D 4D 5D 6D में कितने बोलूँ, कितने डी है इसके अंदर, कितने ट्रायंगल है इसके अंदर, आप लोग गिन लो, मेरे से तो गिना नहीं जा रहा, चल भाई बना, और अभी चार हफ्ते बचे हैं, फिर दोबारा बना पोज, रिलैक्स बैंडो बैंडो, चल अब वाइट करके एल्बो यहाँ की तरफ, ठीक है बना तेज, हाँ ये चल, ना 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 ट्राइसेप टाइट करियो, ये करके फिर ट्राइसेप टाइट करियो, चल बना जन लगा, हाँ अब ट्राइसेप टाइट कर सीधा, अब जा ऊपर, यस हाँ ये दबा हल्की सी पीछे को, ये यस। सो भाई बैक का वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, और दिन से बिल्कुल अलग वर्कआउट हमारा आप लोगों ने देखा है,
और अभी अपने पास है 4 हफ्ते, और उन 4 हफ्तों में मैं क्या क्या चेंजेस करूँगा इसकी डाइट में, कितने कार्ब्स कम करने हैं, कब नमक बंद करना है, कब क्या चीज़ ऐड करनी है, कितने विटामिन खाने हैं, वो सब चीज़ें 4 हफ्ते में मैं आपके सामने दिखाऊंगा योगी के थ्रू और मेरे स्टूडेंट हैं उनके थ्रू, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, बस अपना प्यार बनाए रखना और मैसेज करना आप लोगों को क्या चाहिए, और ये ज़रूर बताना कमेंट में बंदे की बैक कैसे लगे, भाई को मोटिवेट करना है, ऐसे नहीं है कि डीमोटिवेट करना है। और जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, बहुत अच्छी बॉडी है, बहुत अच्छा बंदा है, मैं नीचे इंस्टाग्राम आईडी डाल रहा हूँ अपने भाई की, जाओ उसको फॉलो करो और उसके कमेंट डालो उसके फ़ोटोज़ पे, उसकी वीडियो पे, ताकि इसको मोटिवेशन मिले और ये अपनी प्रेप को और ज़्यादा सीरियस होके करे। तो चलो जी, थैंक यू सो मच, लव यू, बने रहो, माँ बाप से प्यार करो, थैंक यू सो मच।